Now coming to the next question, this is question number 20 of set 1, question number 22 of set number 3, set 2 mein ye question nahi tha. So find the area of the shaded region in figure 4 if ABCD is a rectangle with sides 8 cm and 6 cm and O is the center of circle. So O center of circle hai, ABCD hai, rectangle hai. ABCD ke hume sides given hai 8 cm aur 6 cm. So अगर यहाँ पे DC 8 सेंटीमीटर है सो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो. आपको यहाँ पे शेडेड जो एरिया है उसका एरिया फाइंड करना है. सो सबसे पहले तो हमें देखो, अगर एरिया फाइंड करना है तो पूरा सिंपली दिख रहा है जो सर्कल का एरिया है. सो एरिया ऑफ सर्कल में से अगर मैं माइनस कर दू रेक्टेंगल का एरिया, सर्कल में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन का आ जाएगा, राइट. पर इनके फॉर्मूलाज लगाने के लिए मुझे रेडियस भी चाहिए. सो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? इन ट्राइंगल एसीडी, एसीडी ले लो या एबीसी ले लो, इट्स वन ऑफ दी सेम थिंग. अब अगर ये रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री के एंगल से सारे है ना, तो यहाँ पे अगर मैं ये ट्राइंगल ले रही हूँ सो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ. सो इन ट्राइंगल एसीडी एसी का स्क्वायर इक्वल होगा एडी का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर. सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD. AD कितना है? 6. 6 का स्क्वायर प्लस DC कितना है? DC इज 8. तो 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64. तो ये हो गया AC का स्क्वायर. सो AC इक्वल्स टू अंडर रूट में स्क्वायर कर देते 6 प्लस 4 10. सो 7 8 9 अगेन 10. सो ये आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर. 100 का 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये हमारे पास एसी आ गया 10. अब अगर एसी 10 सेंटीमीटर, देखो ये सर्कल का डायामीटर है एक तरह से, है ना, सेंटर से पास हो रहा है तो ये डायामीटर बन गया. सो इसको अगर हम हाफ कर दें, एसी अपॉन 2 दैट इज 10 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5. ये क्या है? दिस इज द रेडियस. बिकॉज डायामीटर का आप हाफ करते तो आपके पास रेडियस आ जाएगी. अब आपके पास सर्कल की रेडियस भी आ गई. सो नाउ वी कैन राइट दैट एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, फॉर्मूलास पता होने चाहिए. एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एल इन टू डी. पाई की वैल्यू हमें बोला है 3.14 पुट करने को, आर है 5, सो मींस 5 का स्क्वायर माइनस एल इन टू बी, एल इज 8 इंटू 6 हो गया. सो नाउ दिस इज गोना बी 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 8 जा 48. सो यहां हमें मल्टीप्लाई करना है 3.14 को 25 से. सो 5 इंटू 4 इज 20, 5 इंटू 1 5 6 7, 5 इंटू 3 इज 15. 2 से करते हैं 4 2 सा 8, 2 1 सा 2, 3 2 सा 6. सो लेट्स एड इट, 7 प्लस 7 14, 15 हो जाएगा 5 6 7 8 एंड 6 प्लस 1 7. सो ये आ जाएगा 78.5 माइनस 48. सो इट में से 8 गया 0.5 एज इट इज रहेगा, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3. सो ये आ गया हमारे पास 30.5 एंड सिंस इट इज इन सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. सो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू 30.5. ये आपको लाइन में मेंशन करना पड़ेगा दैट एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस वाज आवर 20th क्वेश्चन ऑफ सेट 1 एंड 22nd क्वेश्चन ऑफ सेट 3. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.